हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंसर पे, जहां पे क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के सभी विषय की तैयारी बहुत ही आसानी शब्दों में कराई जाती है और साथ ही साथ इस चैनल पे जनरल कंपटीशन की भी तैयारी कराई जाती है। आज का जो वीडियो है, ये वीडियो किसी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, ये कोई सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं है। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अभी तक इस चैनल पे क्या क्या हुआ है, मतलब किन किन सब्जेक्टों में किन किन क्लास की कितनी कितनी पढ़ाई हो चुकी है, साथ ही साथ मेरा आगे का क्या एजेंडा है, मेरा आगे मुझे क्या करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज आप लोगों को कुछ शेयर करूंगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा अपना मनोबल बढ़ता है और यूट्यूब पर काम करने का मन करता है। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अभी तक इस चैनल पे क्या क्या हुआ है। देखिए, क्लास 9th का एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया गया है, क्लास 11th का भी एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया गया है। हाँ, क्लास 10th और क्लास 12th के वीडियो अपलोड किए गए हैं इस पे, जिसमें सबसे ज्यादा जो वीडियो अपलोड किए गए हैं वो क्लास 10th के। क्लास 10th के लगभग सारे सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड किए गए हैं। हाँ, ये बात है कि कोई भी सब्जेक्ट लगभग क्लियर, मतलब समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि आज चैनल नेट एक महीना हो गया बने हुए, तो एक महीने में सब चीज़ तो हो नहीं सकता है, धीरे धीरे सारी चीज़ हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सब्जेक्ट हिंदी की। तो हिंदी में दो बुक है 10th क्लास में, एक है वर्णिका जो सेकेंड हिंदी है और एक है फर्स्ट हिंदी जिसको हम लोग गोधूली बोलते हैं। तो वर्णिका में 5 चैप्टर हैं, तो वर्णिका का टोटल चैप्टर समाप्त हो चुका है, उसका क्वेश्चन आंसर लिखवा दिया गया है। उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएं और प्लेलिस्ट में जाके लिखे, वहां पर आप देखेंगे लिखा होगा 10th क्लास हिंदी सेकंड वर्णिका। उसको जब उस फोल्डर को आप ओपन करेंगे तो उसमें लाइन से आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3, 4 एंड 5 और सबका क्वेश्चन आंसर भी उस पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और फिर स्टार्ट हुआ है फर्स्ट हिंदी गोधूली, जिसमें 12 कविताएं हैं और 12 कहानियां हैं, जिसमें पहला चैप्टर समाप्त हो चुका है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और लगातार इसको कंप्लीट जल्द ही कराया जाएगा, मतलब डेली एक दो वीडियो तो उससे अपलोड होता ही रहा है, तो वो आपको हो रहा है। फिर इसका व्याकरण तुरंत अपलोड होगा। दूसरा है संस्कृत का एक पार्ट क्वेश्चन आंसर के साथ, पूरा उसका दोहा के साथ सब समझा दिया गया है 10th क्लास में, केवल 10th क्लास की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और तीसरा सब्जेक्ट है SST में, तो SST में हिस्ट्री का एक पार्ट लगभग अब समाप्त होने वाला, एक वीडियो और बनेगा तो एक पार्ट समाप्त हो जाएगा, और उसमें आपको ऑब्जेक्टिव लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय सभी टाइप के क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। फिर आपका मैथ है, तो मैथ दोनों मैथ पढ़ाया जा रहा है, NCERT का भी मैथ पढ़ाया जा रहा है और साथ ही साथ आपका KC सिन्हा जी का भी मैथ पढ़ाया जा रहा है। NCERT में क्या है कि क्वेश्चन आंसर के साथ साथ उसके एग्जाम्पल के क्वेश्चन को भी बताया जाता है, जिसमें एक पार्ट और दो पार्ट समाप्त हो चुका है, उसके वीडियो आप जाके मैथ वाला NCERT का फोल्डर खोल के देख सकते हैं। और जो KC सिन्हा जी का मैथ है उसमें 3 पार्ट चल रहे हैं, यानी 3.1 का एक वीडियो और बनेगा तो 3.1 क्लियर हो जाएगा, मतलब वहां तक हो चुका है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट था इंग्लिश का, तो इंग्लिश का एक पार्ट भी पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टोटल मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ सब चीज कर दिया गया है। फिजिक्स का अगर बात किया जाए तो फिजिक्स में एक पार्ट चल रहा है अभी, तो मतलब 10th क्लास का कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो नहीं चल रहा है, टोटल के टोटल सब्जेक्ट। अगर आप 10th क्लास से तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जाकर सभी वीडियो को प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अब आपके मन में आता है प्लेलिस्ट ये क्या होता है, बहुत लोग नहीं जानते हैं, जो जानते हैं उनको तो अच्छा है, जो नहीं जानते हैं चिंता न करें। जैसे इस वीडियो के अंतिम में मैं बताऊंगा कि कैसे प्लेलिस्ट में आपको जाना है, कैसे सर्च करना है और कैसे सारे फोल्डर को देखना है, और वहां से आप लाइन बाइन सारे वीडियो को देख सकते हैं, तो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा किस तरह करना है। फिर बात हो रही है क्लास 12th की, क्लास 12th का केवल इसमें मैथ पढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं कि केवल मैथ का ही पढ़ाई होगा, फिलहाल अभी मैथ हो रहा है, तो मैथ का मैंने स्टार्ट किया है कैलकुलस, वैसे तो स्टार्ट एक पार्ट से करना चाहिए रिलेशन एंड फंक्शन से, लेकिन मैंने स्टार्ट किया है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी से, ठीक है, सांतत्य और अवकल से। तो वहां पे मैंने 5.1 को स्टार्ट किया। रीजन ये है कि कैलकुलस से सभी लोग, थोड़ा बच्चे जो होते हैं घबरा जाते हैं, उनको लगता है कि बड़ा ही टफ होता है, लेकिन टफ कुछ नहीं होता है। उसमें 5.1 को कंप्लीट कर दिया गया है, 5.2 से जल्दी वीडियो सारे अपलोड किए जाएंगे। और 11th क्लास 9th क्लास की जो बातें हैं, तो 11th क्लास और 9th क्लास के वीडियो 1 जुलाई से इसमें अपलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले 11th क्लास का मैथ अपलोड होगा और 9th क्लास के सारे सब्जेक्ट जिस तरह 10th क्लास के अपलोड हो रहे हैं उसी तरह अपलोड होते रहेंगे।
साथ ही साथ जनरल कंपटीशन से जो खास करके देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि जनरल कंपटीशन से आप कुछ भी पढ़िए, नहीं, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो बुक आप लोग पढ़े भी होंगे, उसको आप लोग देखे भी होंगे, और वो बुक का नाम है लूसेंट का जो बुक आता है सामान्य ज्ञान, मैं उसी को मतलब उसी का पीडीएफ तैयार करता हूँ और उसी को पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कहीं अलग से लाता हूँ, ऐसा कुछ भी मत सोचिएगा। अब आप सोचेंगे फिर तो क्या फायदा, ये है कि लूसेंट का बुक आप खरीद तो लेते हैं लेकिन आप उसे पूरा पूरा पढ़ नहीं पाते हैं। रीजन ये होता है कि उसका शब्द जो होता है टफ होता है, समझ में नहीं आता है। तो मैंने उन सारे शब्दों को एक सरल लैंग्वेज में, मतलब सिंपल लैंग्वेज में बना करके और पीडीएफ बना करके उसे समझाता हूँ, एक एक वर्ड को समझाता हूँ कि किसका अर्थ क्या होता है, कब क्या हुआ था। और जिस टॉपिक में कोई कहानी होता है, कोई जैसे इतिहास स्टार्ट हुआ, इतिहास में कोई भी कहानी है, स्टोरी है, तो मैं उसे भी बताता हूँ, ताकि आप स्टोरी के माध्यम से, फिर आप अगर वीडियो को देखेंगे तो उसमें मैं पिक्चर भी डालता हूँ कि मतलब कौन कैसे था, जैसे कि राजा भरत, राजा दुष्यंत, उनकी पत्नी शकुंतला, इन सारी चीज़ों के बारे में एक पिक्चर भी डाल के आप लोगों को टीएलएम के द्वारा समझाता हूँ, तो आप उसको भी देख सकते हैं अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, खास करके अगर लूसेंट, क्योंकि लूसेंट एक ऐसा बुक है ना कि उसे पढ़ लें तो किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा कंपटीशन नहीं है कि अगर आप लूसेंट का जीके तैयार कर लें तो आपसे वो नहीं निकल सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए उस बुक को तो पढ़ना बहुत जरूरत है, जिसमें से हमें लगता है कि 90% बच्चे किताब खरीदते हैं लेकिन उसको पढ़ नहीं पाते, उसका लैंग्वेज होता है टफ होता है। तो टेंशन नहीं लेना है, उसका भी डेली मैं 1 से 2 वीडियो अपलोड करते रहता हूँ, तो आप लोग जाके चैनल पे उसको भी देख सकते हैं। तो इनसे रिलेटेड अगर आप लोग हैं कि आप क्लास 9, क्लास 10, 11, 12 और जनरल कंपटीशन खास करके लूसेंट का बुक पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को आप लगातार देखते रहें। हाँ, ये भी है, इतना तो हो गया। अगर किसी प्रकार का कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, जैसे बिहार पुलिस या कोई भी एग्जाम के रिलेटेड कोई भी रिजल्ट या कोई भी सूचना आती है, तो इस पे मैं उसका न्यूज़ भी आपको दूंगा। क्लास 9 से लेकर 12 तक सरकार की क्या सूचना है, मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो इस चैनल पे आपको मिलते रहे, इसलिए आप इस चैनल को देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए कामयाब है तो आप आसानी से इसको देखें, अपने दोस्तों में व्हाट्सअप और फेसबुक पर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें। होता क्या है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब इससे जुड़ते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो थोड़ा मन की जो इच्छा होती है ना वो मतलब बढ़ता है, लगता है कि यार अच्छा काम हो रहा है, थोड़ा सा और कुछ किया जाए। हाँ, अगर लगता है कि आपको की कोई कमी हो रही है तो आप वो उसको भी कमेंट में बताइए, ठीक है ना, उसको भी कमेंट में बताइए कि हाँ आप में ये कमी है, ताकि अगली बार से उसको सुधार दीजिए। ऐसा नहीं होता है कि आदमी सब चीज़ में परफेक्ट ही होता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती होती है, तो आप उसको बता सकते हैं। और मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, उस पर कॉल भी आप कर सकते हैं। वैसे कॉल्स ऐसा रहता है कि आप व्हाट्सअप कर देंगे तो जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं उसे देख करके और आपके क्वेश्चन के हिसाब से मैं उसका जवाब भी दे दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है 7004904785, तो उस पर आप व्हाट्सअप करते हैं। हाँ, हो सकता है कि आपको कोई सवाल पूछना हो किसी सब्जेक्ट से, तो आप सवाल भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसका पिक्चर खींच करके और व्हाट्सअप कर दीजिए, और जैसे ही मुझे जब मैं उसे देखता हूँ टाइम मिलता है तो उसको बनाकर मैं आपको तुरंत भेज दूंगा। तो बस आज इतना ही कहना था, और फिर आगे मिलते हैं नए वीडियो में पढ़ाई के और कुछ नया पढ़ते हैं।